मैं एजेंट हूँ, मेरी दाढ़ी ही पता नहीं क्या है, एक हिस्सा मानता हूँ, दूसरा हिस्सा मेरी बीवी के वजह मान नहीं सकता, मैं हर वक्त मूँछ पे उसरा फेरना पड़ता है, मूँछों पर उसरा फेरने की इजाज़त नहीं है, मूँछ रखनी चाहिए, दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, मूँछे कटाएं, ये नहीं हुक्म के मुंडाएं, वो भी इसको बीवी कहती है, बस ये बेचारे बीवी के गुलाम है, ठीक है। सफा के चक्कर अगर बंदा भूल के ज्यादा लगा बैठे कोई हर्ज नहीं। अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, असाबे काफ तो मौत भी नहीं आई थी, वो तो नींद में थे। अगर औरत कई उम्रें करे, हर दफा पूरे बाल इंतहा पे लेके एक कोर के बराबर काट ले, मेरे वालिद साहब ने, मैं 5 साल की उम्र में था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो दूसरी औलाद के साथ रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते, गुनाह उन पर है तुम पर नहीं है, लेकिन तुम हर हाल में अदब किया करो, हर नमाज के बाद मदीने पाक में सलातो सलाम जाके नहीं पढ़ने चाहिए, अदब का तकाजा ये है कि जाते हुए पढ़ें फिर वापस आते हुए पढ़ें, आगे पीछे जितना देर अल्लाह टाइम दे दरूद शरीफ पढ़ें। पाकिस्तान में दूसरी शादी करना गुनाह समझा जाता है, गुनाह शरीयत में तो अल्लाह ने चार की इजाज़त दी है, अगर लोगों में ये रस्में हैं तो हिंदू तहजीब का असर है, अल्लाह हिदायत दे। गुनाह करके आदमी ये कहे अल्लाह माफ़ करने वाला है, ये तो फिर फिरौन बन जाएगा, डरो अल्लाह से, माफ़ करने का मौका ही ना मिले, पहले मर जाओ तो फिर क्या होगा। बहरहाल जो आदमी अल्लाह के सिवा किसी गैब को दूसरे को समझे कि इसको इल्म गैब है, कि वो लोग पीरों के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि आपकी चोरी फलाने के, बिल्कुल ये गलत बात है, किसी को पता नहीं है, इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को पता है।